Hi you all, I hope you all are doing well and taking good care of yourself. Welcome back to my YouTube channel. I hope aap sab acche honge and I hope that you guys have noticed that I'm trying to be consistent over here. Matlab abhi main mix hi cheeze dal rahi hu, kabhi haul videos, kabhi kuch, kabhi skin care review, kabhi apna normal ye daily vlogs ye sab. So yeah, I'm trying to be consistent over here. Anyways, I am back with another haul video, which is Savannah haul. I love Savannah so much. अभी जो मैंने पहना है, this is also from the brand and I really loved all the products. मैंने already try कर चुकी हूँ और अब आप लोगों को video के साथ साथ दिखाऊंगी और कुछ कुछ तो मेरे बहुत ही ज्यादा favorite बन गए like always. So yeah, let's not waste much time and let's get started. But before getting started, I just wanted to tell you कि अभी Savannah पे 50% off चल रहा है Independence Day sale. तो अभी मैं आप लोगों को जो products दिखाऊंगी, I'll you know share their links in the description box below, तो आप लोग वहां पे जाके इनके price check कर सकते हैं. अभी मैं आप लोगों को इनके original price बता दूंगी, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 50% off करके आपको कितने का पड़ेगा, but मुझे भी I guess थोड़ा off मिला है. तो आप लोग direct description box से links देख के वहां से visit करके आप लोग वहां से भी purchase कर सकते हैं. So yeah, let's not waste much time. मैंने तो already देख रखा है कि तो they have sent me these cute stickers जिनमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है. Go do it for yourself, Savannah squad, love and all this. अब उन्होंने मुझे ये छोटी छोटी चीजें भेजी है, like these cute phone covers. Wait, I'll show you. And they have also sent me these really cute clips जो मेरे Pinterest पे हर जगह है. But yeah, I really love them. They're so cute and I can't wait to wear them. So yeah. So the first item is this jean. It is so cool. I paired it with this white top, which is again from Savannah. Really loved this jean क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई jeans है भी नहीं and इस top के साथ it was going really well. आगे आप लोगों को एक और top के साथ दिखाऊंगी मैं इसको, but yeah, I really loved the fitting, quality, color and everything about this jeans. और अभी मैं इसको बहुत जगह style करूंगी. अब इसमें क्या है ना, इसमें MRP नहीं लिखा है तो मैं आप लोगों के साथ link share कर दूंगी. अगेन इफ यू वॉन्ट आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप चेक कर सकते हैं. अगर मुझे प्राइस मिला मैं प्राइस यहाँ पे मैंशन कर दूंगी. बट या आई रियली लव दिस जीन. इसके साथ जो ये व्हाइट टॉप था, मुझे इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इसके साइड में ये नॉट बनाने के लिए दिया गया था, तो इसको मतलब अच्छे से अपने साइज के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो. प्लस आई रियली लाइक द टॉप टू. सो या ओके, नेक्स्ट टॉप इज दिस कॉर्सेट टॉप. Look at the color combination, blue and white. I really loved it. मतलब small size था और मुझे इतने अच्छे से fit हो रहा था. Plus मेरे पास ज़्यादा corset top है भी नहीं and this is so cute. ये मुझे पता है blue jean या फिर you know white skirt के साथ बहुत अच्छा लगेगा. So I can't wait to style this and काफ़ी पसंद आया मुझे. स्मॉल साइज में था. जनरली मैंने सारे टॉप स्मॉल साइज में मंगाए हैं. जो जीन थी वो मुझे मीडियम साइज में मंगानी थी बट मीडियम साइज उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने लार्ज साइज में मंगाई थी. बट मुझे उसकी फिटिंग भी सही आई. थोड़ी सी मुझे लूज लगी वेस्ट के पास से बट स्टिल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुली है. उसमें मैं रिबन लगा के उसको आराम से एडजस्ट कर सकती हूँ. सो या पहले मैंने सारे टॉप्स ट्राई किए, फिर स्कर्ट ट्राई की, फिर ड्रेस ट्राई की. सो या द नेक्स्ट टॉप इज दिस रियली कूल टॉप विच इज बेबी पिंक इन कलर, विच इज सच अ गर्ली टॉप. और इस पे लिखा हुआ है आई एम टू प्रिटी फॉर दिस. सो आई रियली लव्ड द कोट एंड आई रियली लव्ड द टॉप. सो या वेयर के लिए सही है एंड मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा इससे मैंने ऑर्डर कर लिया. सो या द नेक्स्ट टॉप मैं अपना फेवरेट आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी, अभी मतलब दो तीन टॉप्स के बाद. बट द नेक्स्ट टॉप इज दिस कूल वाइट टॉप. मैंने अभी हाल ही में फैशन वीडियोज बनानी शुरू किया है तो मुझे पता है कि दिस will be a perfect fit for a fashion video. और आप देख सकते हैं कितना cool लग रहा है. मतलब I really loved it. मैंने ऐसा कभी कुछ पहले style नहीं किया है but मुझे ऐसा लग रहा है कि इस jean के साथ भी अच्छा जा रहा था और अगर मैं इसको किसी और चीज़ के साथ style करूँगी तो भी अच्छा लग सकता है. So yeah, I really like this top. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ कैसे क्यों हो रही है, कि ये भी मुझे पसंद आया, ये भी मुझे पसंद आया, क्योंकि हर चीज़ ने मेरी एक्सपेक्टेशंस मैच की है. जैसे ये टॉप है जो मुझे थोड़ा लूज आया है तो ये भी स्मॉल साइज है. मैंने डेली पहनने के लिए मंगाया था ये. सो मुझे पसंद था ये टॉप बट मुझे थोड़ा सा लूज है, स्मॉल साइज है तो वही है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको टाइट करवाना पड़ेगा या फिर रिबन बांधना पड़ेगा, वही अपना जो हम जुगाड़ करते हैं. बट या बस एक ये टॉप है जिसमें मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ. बाकी मैं आप लोगों को पहले अपना फेवरेट टॉप दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे बार बार दिख रहा है.
सो आई रियली लव दिस टॉप. आप लोग मुझे ये बहुत बारी पहन के देखने वाले हैं, बिकॉज एक तो मुझे ये वाला मटेरियल बहुत पसंद है, प्लस द फिटिंग, द कलर, इट इज सो सो कूल. लुक एट दिस आउटफिट. मतलब ये तो इस जीन के साथ भी इतना परफेक्ट लग रहा है, और मुझे पता है और चीज़ों के साथ मैं इसको पेयर करूंगी उनके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा. This top is a 10 on 10 for me. I really loved it. और मैंने इसको small size में ही मंगाया है. And if you want, ये तो आप लोग purchase करना ही करना, because this top is really worth it. It will fit you so so nicely that you will also fall in love with this. So yeah, I really loved it. Next top is this black top. I really loved this one too, क्योंकि इसकी fitting बहुत अच्छी है. Tops का क्या होता है ना, mostly उनकी fitting अच्छी हो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर fitting थोड़ी सी भी अच्छी ना हो तो वो अच्छे नहीं लगते, like that brown one. So this one is also very very nice. और इसका ऐसा ऑफ शोल्डर स्टाइल है, एंड ये भी आपको बिल्कुल टाइटली ऐसे अच्छे से फिट होगा. सो आई रियली लव दिस. और टाइट बेशक ही है, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें अनकम्फर्टेबल करेगा या फिर आपको घुटन होगी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्लैक टॉप इज कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. मैक्सिमम मेरे पास, चाहे मैं H&M से लूँ चाहे ज़ारा से लूँ, मैक्सिमम जितने भी ब्लैक टॉप होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. उसके अंदर अगर आप कुछ वाइट पहनोगे या फिर ग्रे पहनोगे या कुछ भी पहनोगे वो दिख रहा होता है क्लियर. But this is not at all transparent, so I really loved it. एक ये वाला, एक ग्रे वाला और एक ड्रेस है, वो तो आप लोगों को आंख बंद करके ले लेनी चाहिए. Next is this skirt. I am a very very big fan of florals and I really love this skirt. और मैं श्योर नहीं थी पहले कि ये कलर मुझ पर सूट करेगा कि नहीं स्कर्ट का, बट आई रियली लव्ड इट. अभी मैं इसको अच्छे से स्टाइल नहीं कर पाई, टॉप मेरे पास था नहीं ऐसा कोई अप्रोप्रिएट जो इसका चले जाए. सो आई कांट वेट टू वेयर दिस टू. यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ टॉप्स ऑन योर पिंटरेस्ट. आई रियली रियली लव दिस टॉप अगेन. और मेरे पास ऑलरेडी, मैंने सवाना से पिंक वाइट कलर में ऐसे ऐसा कुछ खुद से मंगाया था, और जब ये मुझे इसमें आई फेल्ट सो 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 हैप्पी, बिकॉज आई रियली लव दीज टॉप. लुक एट इट, इसकी जो सामने बोज बनेगी, ऑल द डिटेलिंग, इसकी बलून स्लीव, सब कुछ बहुत लगा इस टॉप के बारे में. सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस वाइट ड्रेस. ओ माय गॉड, आपने ब्राइड्समेड देखी है? दिस ड्रेस इज मेंट फॉर दैट. मतलब आप देखो ये, इसकी फिटिंग देखो. आई वॉज इन लव विद द फिटिंग एंड विद द डिटेलिंग. सिर्फ ये वेस्ट के पास से आपको बिल्कुल इतनी अच्छे से फिट होती है, एंड जैसे इसमें लेस वाली डिटेलिंग है हाथ पे, आई लव दिस ड्रेस. मैं इसको अभी ऐसे ही नहीं पहनना चाहूंगी किसी बर्थडे वर्डे या किसी भी चीज़ में. अभी मैं इसमें प्रॉपर एक फोटोशूट कराऊंगी ऐसे किसी, यू नो, सनफ्लावर फील्ड में या फिर कहीं फूलों वाली फील्ड में, बिकॉज आई रियली लव दिस ड्रेस. एंड ये ग्रे टॉप, ब्लैक टॉप और वो जीन इज माई फेवरेट परचेजेज ऑफ दिस हॉल. So that's it for the haul. I hope you guys liked it. मैंने इस बार ही कोशिश की कि मैं शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रखूँ हॉल. सो या आई होप दैट आप लोगों को पसंद आया हो. मुझे ज़्यादातर प्राइस की इतना ध्यान नहीं था, बट अगर मुझे मिलेगा तो मैं प्राइस भी मैंशन कर दूंगी, बिकॉज आई नो कि प्राइस मैंशन करना इंपॉर्टेंट है. और अगर नहीं कर पाई तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट कि सवाना पे 50% ऑफ चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो जाइए फटाफट शॉपिंग कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप कॉमेंट करके मुझे बताइए आपको नेक्स्ट हॉल किस चीज़ पे चाहिए. बाय.